जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमन पाजी के जिस पर। तो जैसा कि दोस्तों आज जो दो सितंबर के सेकंड शिफ्ट का आपका एग्जाम आरआरसी ग्रुप डी का जो था वो का खत्म हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था ऐसा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो आज के इस वीडियो में 2 सितंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके साइंस और करंट अफेयर्स के अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए, तो उसको देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों प्रश्न आपका 100% रियल ऑथेंटिक प्रश्न है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों किसी प्रकार की समस्या होता है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होता है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और कब एग्जाम है और पीडीएफ लिखकर। इसके अलावा दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को भी दोस्तों ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि आज का कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो पहला प्रश्न ज्योग्राफी से देखने को मिला है कि कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच आपका है। तो कुमाऊं हिमालय की बात करें दोस्तों, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के चार क्षेत्रीय विमानों में से एक है। सतलज नदी से काली नदी के बीच फैली लगभग 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को ही कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। तो किन दो नदियों के बीच है, तो आपका सतलज नदी और काली नदी, इन दो नदियों के बीच दोस्तों आपका कुमाऊं हिमालय स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि प्रो कबड्डी लीग 2022 के 8वां संस्करण किसने जीता था। तो दोस्तों जो 8वां संस्करण है प्रो कबड्डी लीग का, वो दोस्तों दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग पीकेएल के 8वें सीजन का खिताब जीत लिया है। फाइनल के मुकाबले में दिल्ली ने पटना पायरेट्स को 36-37 से मात दी थी और दिल्ली ने पहली बार पीकेएल ट्रॉफी जीती है। वो पटना पायरेट्स को चौथी बार खिताब जीतने का सपना चकनाचूर कर दिया है। तो दबंग दिल्ली दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसको हराया था, तो पटना पायरेट्स को हराया था। और पटना पायरेट्स जो कि दोस्तों सबसे ज़्यादा बार आपका प्रो कबड्डी खिताब जीतने वाली टीम है, जो कि दोस्तों कितना बार, 3 बार जीती है, चौथी बार जीतने से आपका चूक गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाला वित्त मंत्री आपसे पूछा गया था। तो देश में दोस्तों सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड मुरारजी देसाई के नाम है। तो मुरारजी देसाई अगर आपका ऑप्शन में होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों निर्मला सीतारमन भी हो सकता है। मुरारजी देसाई तो दोस्तों प्रधानमंत्री थे, शायद वित्त मंत्री भी रहे होंगे, इसका कोई आइडिया नहीं है। तो आपके ऑप्शन में क्या था वो ऑप्शन बताइएगा। मुरारजी देसाई ने 8 सालाना बजट और 2 इंटरिम बजट पेश किया। मुरारजी देसाई ने अपने जन्मदिन 29 फरवरी के दिन भी 2 बार बजट पेश किए थे। तो आपका ऑप्शन में कौन क्या था, सीतारमन जी थे या मुरारजी देसाई थे, आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था शायद कि तृष्णा नदी कहाँ से निकलती है। दोस्तों आपका 50-50 आया था कि नहीं आया था वो कमेंट सेक्शन में आप ही बताइएगा, लेकिन हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तृष्णा नदी है जो कि दोस्तों तस्सो लहामो लेक से निकलती है। तृष्णा नदी भारत के सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश होकर बहती है। यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी विभाग की मुख्य नदी है। पश्चिम बंगाल में यह दार्जिलिंग जिले में बहती है और तृष्णा नदी को सिक्किम और उत्तरी बंगाल का जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो आपका क्या रिलेटेड प्रश्न है तृष्णा नदी से, आप बताइएगा। अगला दोस्तों आया था कि मध्य प्रदेश सरकार नहीं, मध्य प्रदेश से कौन सी नदियाँ निकलती है। तो दोस्तों आपका बेतवा नदी था जो बिल्कुल राइट आंसर था। तो नदी से शायद एक ही प्रश्न आ सकता है, चाहे तृष्णा नदी का आया होगा चाहे बेतवा नदी का आया होगा। ये दोस्तों आपका शायद ये आपका आया था मध्य प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है, तो बेतवा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन शायद आपका आया था दोस्तों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आपका आया था, इस तरह का शायद आपका प्रश्न आया था। तो भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, समाजवादी प्रभाव के तहत स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1991 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू किया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो कि दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के समय में आपका आया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था कि पेशा एक्ट कब लागू हुआ था। तो 24 दिसंबर 1996 को दोस्तों भारत के संसद से 25 साल पहले संविधान की 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में स्वशासन की स्थापना के लिए पेशा एक्ट जो कि दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार है, कानून को पारित किया था। तो कब किया था दोस्तों आपका, 24 दिसंबर 1996 में पेशा एक्ट को आपको लागू किया गया था। अगला दोस्तों आपका प्रश्न आया था कि आईआईटी रुड़की ने कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया है। ये प्रश्न दोस्तों आपका बार बार प्रश्न आ रहा है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब आईआईटी रुड़की ने मेन इन इंडिया पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को इंस्टॉल किया है। तो दोस्तों परम गंगा आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ये आपका प्रश्न था कि आईआईटी रुड़की ने मेक इंडिया के तहत कौन सा कंप्यूटर, एक सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल किया है। तो आईआईटी रुड़की ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन बीबीआर मोहन रेड्डी ने सोमवार को इंस्टीट्यूट में परम गंगा को इंस्टॉल किया है। इसकी सुपर कंप्यूटर कैपेसिटी दोस्तों 1.66 पेटा फ्लेटिंग पॉइस ऑपरेशन प्रति सेकेंड आपका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था कि इनमें से कौन सी कागज़ की गारंटी नहीं है। तो ये दोस्तों आपका 500 का जो नोट दिया गया था आपका बिल्कुल राइट आंसर। 500 का नोट दोस्तों वर्तमान में अभी प्रचलन में नहीं है, 500 का नोट को दोस्तों बंद कर दिया गया था। अगला दोस्तों हिंदी एकेडमिक संस्थान कहाँ पर स्थित है, इस तरह का भी शायद आपका प्रश्न आया था। तो ये इसका आंसर दोस्तों मिल नहीं पाया। अगर प्रश्न आपका यही आया था तो आप आंसर बताइएगा, अगर प्रश्न आपका ये नहीं आया तो प्रश्न क्या आया था ये आपका बताइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था प्रथम योजना आयोग कब आया था या कब बनाया गया था, कब लागू हुआ था। तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने योजना बनाने का कुछ औपचारिक मॉडल को अपनाया था। इसके तहत योजना आयोग जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता था, गठन 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। तो 15 मार्च 1950 आपका ये बिल्कुल राइट आंसर था। योजना आयोग का स्थापना दोस्तों इसी दिन हुआ था भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। इसके जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष दोस्तों आपका
अलग होते हैं, लेकिन अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री ही होते हैं। जो प्रधानमंत्री होंगे वही योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। हालांकि योजना आयोग का दोस्तों नाम बदलकर 2015 में नीति आयोग कर दिया गया था, तो योजना आयोग अब नीति आयोग के नाम से दोस्तों जाना जाता है। प्रथम योजना आयोग के दोस्तों शायद अध्यक्ष आपका गुलजारी नंदा थे, जो कि प्रश्न आपका पूछा भी गया था। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। अगला दोस्तों पूछा गया था कि प्रकृति में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा है, तो आपके पास दोस्तों कैल्शियम दिया गया, एक ऑप्शन दिया गया था कैल्शियम बोरोनियम स्टेडियम। तो दोस्तों आपका जो कैल्शियम था आपका बिल्कुल राइट आंसर था। प्रकृति में इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो तत्व है दोस्तों आपका कैल्शियम पाया जाता है। उसे ऐसे तो आपका सबसे ज़्यादा तत्व ऑक्सीजन पाया जाता है 66.6%, लेकिन ऑप्शन के अनुसार दोस्तों आपका कैल्शियम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मीथेन को दहन करने पर आपका CO2 और H2O कितने मॉलिक्यूल में टूटेंगे, इस तरह का भी प्रश्न आपका आया था। तो ऑप्शन दोस्तों मुझे मालूम नहीं है, ऑप्शन के अनुसार ये क्वेश्चन बनेगा। तो आप बताइएगा कि मीथेन को दहन करने पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन CO2 और H2O को कितने मॉलिक्यूल दोस्तों आपका टूटेंगे, क्या आपका ऑप्शन में था। अगला दोस्तों था कि भोजन पौधे को भोजन और ऊर्जा किस प्रक्रिया के द्वारा मिलता है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा दोस्तों पौधे को भोजन और ऊर्जा प्राप्त होता है। इसके अलावा दोस्तों पौधे मिट्टी से कुछ खनिज पदार्थ जल तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ मिट्टी तथा वायु से प्राप्त करते हैं। अगला दोस्तों आर्टिकल से दोस्तों आपका प्रश्न आया था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आता है, तो दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करें तो दोस्तों आपका आर्टिकल 21 में आता है, भारत का संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपका है। मूल अधिकार की बात करें तो वर्तमान में 6 आपका मूल अधिकार है, 7वां जो 7 मूल अधिकार हुआ करता था संपत्ति का अधिकार वो कानूनी अधिकार बन गया है। मूल अधिकार किस देश से लिया गया, तो दोस्तों आपका USA संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, भाग 3 में है और 12 से 35 दोस्तों यह अनुच्छेद में आता है, 12 से 35 तक में। अगला दोस्तों आपका आया था कि इनमें से कौन सा न तो धातु है और ना ही अधातु है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका था जर्मेनियम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जर्मेनियम न तो धातु है और ना ही अधातु है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था कि 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया था, 3 उसमें से नहीं दिया गया था, 1 दिया गया था जिसमें शायद आपका रवि कुमार दहिया आपका बिल्कुल राइट आंसर था, जिसे कुश्ती में दोस्तों आपका पुरस्कार मिला था, तो रवि कुमार दहिया आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका 12 लोगों को पुरस्कार दिया गया था आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, तो किसे किसे दिया गया था तो देख लेते हैं। पहला है नीरज चोपड़ा, दूसरा है रवि कुमार दहिया, तीसरा है लवलीना बोरगोहेन जिसे मुक्केबाजी में दिया गया था, PR सीरीज को हॉकी में दिया गया था, अवनी लेखेरा को दोस्तों पैराशूटिंग में दिया गया था, सुमित अंतिल को दोस्तों पैरा एथलेटिक्स में दिया गया था, प्रमोद भगत को पैरा बैडमिंटन में, कृष्णा नागर को भी दोस्तों पैरा बैडमिंटन में ही मिला है। अगला मनीष नवार को पैराशूटिंग में, मिताली राज को भी दोस्तों मिला था, एकमात्र क्रिकेटर को दोस्तों मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था मिताली राज को, जो कि प्रश्न आपका बन भी चुका है। और सुनील छेत्री को फुटबॉल में दोस्तों एकमात्र फुटबॉल खिलाड़ी को मिला था, तो सुनील छेत्री को मिला था। इसके बाद मनप्रीत सिंह जो हॉकी टीम के कप्तान है, इनको भी दोस्तों आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। तो इनमें से मिताली राज, सुनील छेत्री, मनप्रीत सिंह और दोस्तों नीरज चोपड़ा और रवि कुमार दहिया और आपका प्रमोद भगत, ये सबको दोस्तों आपको याद रखना है, सबको 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अर्जुन पुरस्कार से बात करें दोस्तों 35 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें दोस्तों आपका शिखर धवन को भी सम्मानित किया गया था ये आपका क्रिकेट में। अगला दोस्तों पूछा गया था कौन अधातु है नहीं धातु है, तो ये आपका जर्मेनियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना कौन और कब किया था, ये आपका प्रश्न आया था कि कब किया था, ये आपका प्रश्न आया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किया गया था, ये आपका प्रश्न था। तो राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना वर्ष 1932 में किया था और 1932 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था और अखिल भारतीय हरिजन संघ की अध्यक्षता में गांधी जी के द्वारा घनश्याम दास बिरला को बनाया था। तो 1932 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही अध्यक्ष पूछते कौन सा अध्यक्ष था, तो गांधी जी तो दोस्तों आपका हरिजन संघ की स्थापना किया था ना, तो बनाया अध्यक्ष दोस्तों नियुक्त किया था आपका घनश्याम दास जी को, घनश्याम दास बिरला को, तो ये आपका प्रश्न याद रखिएगा फैक्ट्स के तौर पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था स्मार्ट विंडोज़ क्या काम करता है, तो ये दोस्तों ऑप्शन के अनुसार ये क्वेश्चन बनेगा, तो ऑप्शन बताइएगा अगर आपको याद होगा तो। अगला दोस्तों आया था कि 20 सेंटीमीटर लेंस की आपका लेंस की क्षमता क्या होगा, तो उत्तर लेंस की बात करें कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है दोस्तों तो लेंस की जो क्षमता है 5 डायोप्टर आपका हो जाएगा, तो 5 डायोप्टर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान आपका आया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान की बात करें दोस्तों तो आपका 10.5 आपका होता है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम की बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है, पीएच मान 10.5 आपका राइट आंसर था। इसके बाद दोस्तों आपका शायद आर्टिकल 29A से भी प्रश्न आया था, कुछ लोगों का कहना है तो उसको भी देख लेते हैं। भारत के राजक्षेत्र या उसके किसी विभाग के निवासी
नागरिकों को किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा, आर्टिकल 29A दोस्तों आपका ये कहता है। अगला दोस्तों आपका आया था कि पृथ्वी पर सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, तो ये दोस्तों आपका कैल्शियम, तो इसको बता ही दिए हैं। अगला दोस्तों आपका आया था कि वरिष्ठ नागरिक को कितना मासिक पेंशन मिलता है, इस तरह का भी शायद आपको प्रश्न आया था, तो प्रश्न क्लियर नहीं आता है, प्रश्न आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो कृष्ण आपका क्लियर होगा। एक दोस्तों आपका आया था आंध्र प्रदेश लोक नृत्य भी आपका संबंधित प्रश्न आया था, तो आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य को देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश अपनी लोक संस्कृति समृद्ध माना जाता है, इसकी लोक संस्कृति में विभिन्न लोक नृत्य शामिल है जैसे कि गोबी नृत्य, बत्थक कुंभा नृत्य, धमाल नृत्य, मथुरी नृत्य, दंदिया नृत्य, बीड़ा नाट्यम नृत्य, बुमुल आदि गोबी नृत्य आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों का लोकप्रिय नृत्य है, तो आपका इसमें से कौन सा नृत्य आया था आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला दोस्तों आपका आया था कि 2021 में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट में कितने एरिया को कवर किया गया था, तो भारत में दोस्तों 21.71% भूमि वन है, तो इतने पर आपका वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो कि होगा तो 21.71 आपका ऑप्शन में होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वनों की स्थिति में फॉरेस्ट ऑफ सर्वे इंडिया के अनुसार 2021 की रिपोर्ट 13 जनवरी 2022 को पेश किया गया था। अगला दोस्तों आया था कि मीथेन को हीट करने पर CO2 H2O कितने मोलिकुल टूटेंगे, ये आपका ऑप्शन बताइएगा। अगला दोस्तों आया था हाफ हेमिस्फीयर का वैल्यू कितना होगा, इसका भी शायद आपका प्रश्न आया था, तो अब देख लीजिएगा। अगला दोस्तों आपका आया था कि कोबोडियल में टोटल सरफेस एरिया आया था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोबाइड का हो जाता है दोस्तों 2 × L + AW + HW + SW² दोस्तों आपका कोबाइडल का टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाता है। ये प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में प्राप्त हुए हैं, और भी जो प्रश्न एक दो प्रश्न छूट गए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसका आंसर वहीं पर देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी कल ही हम लोग ने एक छोटा सा माइलस्टोन 5K जो सब्सक्राइबर का होता है उसको पार कर लिए हैं, जल्दी हम लोग 10K सब्सक्राइबर की ओर बढ़ेंगे, अगर आपका प्यार और स्नेह इसी तरह से बना रहा तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।